नमस्ते दोस्तों, नीरज इंडस्ट्रीज में आपका स्वागत है। अभी हम लोग देखेंगे कि जो कॉमनली फास्ट सेलिंग कैंडल्स की चीजें हैं, जैसे कि टीलेट कैंडल्स, उसको हम कैसे बना सकते हैं। अभी टीलेट कैंडल्स बनाने के लिए ऐसे अलग अलग टाइप के एम्प्टी कंटेनर्स लगते हैं। इनमें हमारे पास अलग अलग साइजेस के आते हैं। अभी समझो अलग अलग साइज है, जैसे कि 37x11 mm वाला साइज है, 37x12 mm का साइज है, 35x10 mm का है, 35x15 mm और 38x15 mm का साइज। अभी इतने अलग अलग साइजेस क्यों है? क्योंकि हर एक में अलग अलग ग्रामेज का वैक्स जाता है, तो जिससे आपकी कॉस्टिंग आपकी डिपेंड होती है। अभी समझो ये सेम टीलेट के कंटेनर्स है, अभी इसमें अराउंड 13-14 ग्राम वैक्स जाता है, वही इसके अंदर 8-8 ग्राम वैक्स जाता है। अभी दिखने में दोनों टीलेट कंटेनर्स ही है, पर दोनों के सेलिंग प्राइस वहां पे चेंज हो जाते हैं। ये समझो 3-4 रुपए तक भी बिक जाता है, ये 2-3 रुपए तक भी लोग इसको सेल कर सकते हैं। डिपेंड ऑन द कॉस्टिंग, कैसे वैक्स यूज करते हैं, ऐसे अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है। ओके, तो अभी इतने अलग अलग साइज के टीलेट के एम्प्टी कंटेनर्स आते हैं। इनमें ये दो साइजेस हमारे ऐसे हैं जो थोड़ी हम लोग कमर्शियल क्वालिटी हम लोग कहते हैं, मतलब ये थोड़े से पतले कंटेनर्स है। ओके, ये 37x11 वाला है, 37x12 mm वाला है। ये दोनों थोड़ी सी पतली क्वालिटी रहती है जो काफी सस्ते में पड़ती है। ज्यादातर केस में क्या होता है कि टीलेट कंटेनर्स हमारा यूज एंड थ्रो जैसे ही होता है, कि कस्टमर ने इसको यूज कर लिया, खत्म हो गया, इसको लोग फेंक देते हैं। ओके, तो जहां पे लोगों को कमर्शियल टीलेट कैंडल्स बनाने हैं, जहां पे लोग बल्क में सेल करते हैं, तो वहां पे ये दोनों क्वालिटी आपको काम में आ सकती है। अभी इनमें कैसे कि इतना पतला रहता है कि ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट में कुछ ना कुछ डैमेज वेस्टेज होने के चांसेस रहते ही है, बट उन सभी के बावजूद भी इसकी कॉस्टिंग कम ही पड़ती है। ओके, अब इन दोनों में मेन क्या अंतर है? ये है 37x11 mm हाइट है, इसका 37x12 mm हाइट है। ओके, दूसरा इसका जो टॉप है ये थोड़ा फ्लैट एज है इसका, और ये वाले में इसका राउंडिंग एज है, तो राउंडिंग एज होने से क्या होता है, ऊपर का सरफेस एकदम स्मूथ दिखता है। एंड राउंड एज होने की वजह से क्या होता है कि इसके जो लॉट होते हैं इनमें थोड़े से डीफॉर्म होने के चांसेस थोड़े से मिनिमाइज होते हैं। ओके, बट दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये काफी सस्ता ही पड़ता है, तो जो लोग आपको पसंद है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये दोनों जो साइजें हैं ये कमर्शियल क्वालिटी में आ जाती है, जो फास्ट मूविंग भी है और बल्क सेल भी इसका लोगों को मिल जाता है। उसके बाद में तीन दूसरे अलग अलग साइजें हैं, जैसे कि 35x10 mm, इनमें कभी 35x10 या तो 9 mm आते रहता है, 35x15 mm और 38x15 mm। ओके, तो ये तीनों जो क्वालिटियां हैं ये थोड़े से थिक एल्यूमिनियम की बनी हुई रहती है, तो जिससे इसके डिफॉर्म होने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। एंड टीलेट कैंडल्स दिखने में भी थोड़ी सी प्रीमियम क्वालिटी दिख जाती है। ओके, तो ज्यादातर जो हॉबी लेवल वाले हैं या तो होम लेवल वाले हैं वो इन साइजेस को भी प्रीफर कर सकते हैं। ओके, तीन अलग अलग साइजेस में हमारी आती है करके, इनको भी राउंड एज दिया गया है, तो जिससे इसका ऊपर की टॉप उसका एकदम अच्छा दिखता है करके। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया है कि हमको टीलेट कैंडल्स बनाने के लिए एक तो हमको एम्प्टी टीलेट के कप्स लग जाते हैं। ओके, दूसरा हमको लग जाता है ऐसे धागे लगते हैं, इसको हम लोग प्री टैप विक कहते हैं। मतलब कैसा रहता है, एक तो ये हार्ड वैक्स कोटेड रहता है एंड इसके नीचे सस्टेनर रहता है, तो इसको बनाने का तरीका एकदम सिंपल है, हम देखेंगे कैसे इसको बनाते हैं, मेल्टर पोर कैसे करते हैं। तो समझो हमने इसमें इसको फिक्स कर दिया, वैक्स को गर्म कर दिया, इसमें पोर कर दिया, तो हमें ऐसे टीलेट कैंडल्स हमारा इसमें रेडी हो जाता है। ओके, तो ये हमारा 1 इंच का धागा है, तो जिससे हम लोग ये सब टीलेट कैंडल्स हम इसमें बना सकते हैं। ओके, अभी जो एम्प्टी कंटेनर्स आते हैं उनमें भी एक दो टाइप्स के और आते हैं, जिसको हम लोग पॉलीकार्बोनेट के कप्स कहते हैं। ये आइडियली से ट्रांसपेरेंट रहते हैं और जो भी कलर शेड्स आप बनाते हो तो इसमें दिखने में थोड़े से अच्छे दिख जाते हैं, ट्रांसपेरेंट लुक मिलता है। समझो इसको अगर हमने रेड कलर का बनाया है, यहाँ पे इसको कोई अगर जला भी रहा है तो इसका जो शेडो है नीचे जमीन पे भी आता है, तो हल्का सा वो रेडिश टोन भी बॉर्डर के सरफेस पे नीचे दिख जाता है। तो ये भी दोनों चीजें हैं, ये भी रनिंग है मार्केट में। टेक्निकली ये वाले जो कंटेनर्स से इनके कंपेयर में 2-3 गुने महंगे पड़ते हैं ये, बट सामने से क्वालिटी फिनिशिंग भी इसकी अच्छे है करके। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया इसको बनाने के लिए जैसे दो चीजें लगती है। तीसरा और एक चीज आता है जिसको हम लोग इसके मोल्ड कहते हैं। ओके, इसको बनाने के लिए दो मेथड्स हो जाते हैं, एक तो हम वैक्स को मेल्ट करके इसमें डायरेक्टली फिलिंग कर सकते हैं, या तो हमने पहले इसमें बना दिया, इसमें से हमने बाहर निकालते हैं, उसके बाद इसको डबिया में हम इंसर्ट करते हैं। ओके,
तो दोनों के खुद के प्लस पॉइंट है, खुद के माइनस पॉइंट है, जो हम आगे जैसे फेज में बढ़ते हैं उसमें हम लोग इसको देखेंगे करके। ओके, इसको बनाने के लिए ऐसे टाइप के मोल्ड आते हैं, एक ये टाइप का मोल्ड है, ये वाला मोल्ड आइडियली इन दोनों साइजों के लिए काम में आता है, दूसरा ये वाला मोल्ड है जो 38x15 वाला साइज है, इसके लिए काम में आ जाता है। ओके, तो यहां तक तो आपको बेसिक आइडिया मिल गया कि कैसे कैसे टाइप की चीजें इसमें लगते हैं। अभी हम लोग वैक्स को मेल्ट करते हैं और इसमें हम लोग कैसे पोर करेंगे वो हम देखते हैं। ओके, हेलो, सो अभी हमारा बेसिक सेटअप हम लोग का हो चुका है, कैसे हमने एम्प्टी कंटेनर्स को रख दिए हैं, उनके विक्स हमने ले लिए हैं, अभी हमने वैक्स को मेल्टिंग करने के लिए रखा हुआ है, उसको मेल्ट करके हम लोग इसके अंदर अभी पोर करेंगे। ओके, अभी टीलेट कैंडल्स बनाने के लिए दो मेथड्स आ जाते हैं, एक तो हम इसमें डायरेक्टली फिल कर सकते हैं, दूसरा हम ये टाइप के मोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये टाइप के जो कमर्शियल टीलेट के कप्स है उसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि अब ये टाइप का मोल्ड प्रीफर करो। इसके एक दो रीजंस है, एक तो कैसे है कि जो कंटेनर्स आते हैं काफी पतले रहते हैं, तो सपोज बाई चांस भी ये कोई एकदम बेंड भी हो जाता है ये टाइप का भी, तो आपने जैसे ही इसमें से कैंडल्स बनाई है उसको आप जब इसके अंदर इंसर्ट कर दोगे तो बनने के बाद है ना इसका एकदम प्रॉपर राउंडिंग इसका स्ट्रक्चर दिख जाता है। जैसे कि समझो ये वाला कैंडल है, टी कप है हमारा, टोटली बेंड हमारा हो चुका है। अभी इसको हमने थोड़ा सा लेवल कर दिया, ये मेरी कैंडल इसकी बनी हुई है। अभी ये मोल्ड फॉर एक एडवांटेज कैसा है, नॉर्मली जब भी हम लोग वैक्स फिल करते हैं तो उसमें थोड़ा सा श्रिंकेज आता है, तो इसका जो श्रिंकेज का पार्ट है वो हमारा नीचे रह जाता है, सॉरी, तो जैसे हम इसमें बनाते हैं तो इसमें ना वैक्स को जब गर्म करते हैं, जब ठंडा होता है उसमें थोड़ा सा श्रिंकेज होता है, जो ये सब कैंडल्स में जैसे हम डायरेक्ट फिल करते हैं तो थोड़ा सा श्रिंकेज इसके ऊपर दिख जाता है। अभी जैसे हम लोग ये मोल्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एडवांटेज क्या होता है, इसका जो भी श्रिंकेज का जो पोर्शन है ना वो नीचे ऊपर हो जाता है, और समझिए कि हमारी कैंडल इसमें रेडी हुई है। हम इसके अंदर हमारा विक ले लेते हैं, इसको हमने इसमें से इंसर्ट कर दिया, प्रॉपर लॉक कर दिया, और अभी इसके अंदर हम इसको थोड़ा लेवल कर दिया और इसको हम इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ओके, ठीक है, आपके प्रॉपर कैंडल आपका इसमें रेडी हो जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इन सब में हम लोग किस स्टेप से इसको हम बना सकते हैं। ओके, थैंक यू। सो हमारा वैक्स अभी मेल्ट हो चुका है, मैं इसको अपने पोरिंग जार में अभी थोड़ा सा भर रहा हूँ और फिर इसके अंदर कैसे भरेंगे वो हम देखेंगे। सो यू कैन सी द वैक्स इज मेल्टेड प्रॉपरली, आई एम जस्ट फिलिंग इन माय पोरिंग जार। ओके, सो नाउ टू फिल इन दिस एम्प्टी कप्स देयर आर लाइक टू मेथड, वन इज दैट यू कैन प्लेस अ विक ओवर इट फर्स्ट एंड पोर द वैक्स। Yes, sometimes what happens if the wax is slightly hot, chances of the wick getting deformed is there. So second option is that you can just directly fill it in the cup, and after a couple of minutes you can insert the wick in it. But have a proper control over the timing. Otherwise, what will happen? The wax will become hard. Okay. So, अभी समझो हमको इसके अंदर वैक्स भरना है, तो इसको भरने के लिए दो ऑप्शन आते हैं। एक है कि हम इसके अंदर विक को पहले इंसर्ट कर देते हैं एंड इसके अंदर हम लोग भर देते हैं। अभी इसमें क्या होता है कि कभी हम लोग अगर ऐसे पोर करते हैं तो कभी धागा थोड़ा आउट होने के चांसेस रहते हैं, या तो वैक्स थोड़ा ज्यादा गर्म है तो जी वैक्स कोटेड विक है उसके पोर्शन थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है एंड वो थोड़ा सा क्रॉस हो जाता है वो। सेकेंड ऑप्शन आता है कि हमने इसके अंदर पहले वैक्स को भर दिए, फिर जस्ट एक हाथ दो सेकेंड इसको रुकेंगे, जैसे इसमें मैंने थोड़ा पहले भर के रखा है, जैसे एक हाथ मिनट हो चुकी है दिख रहा है कि थोड़ा सा प्रॉपर हार्ड हो रहा है, तो इस टाइम पे हम इसके अंदर इसको इंसर्ट कर देते हैं। ओके, तो इसमें एडवांटेज ऐसा है कि हॉट वैक्स डालने से देखेंगे कि इसका थोड़ा सा कैसे साइड में गिर रहा है, वो चांसेस थोड़े से अपने मिनिमाइज हो सकते हैं। यहाँ पे कैसे हम प्रॉपर सेंटरिंग भी इजीली दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ आपको ध्यान में आ गया है।
वैसे ही अभी हम लोग हमारे बाकी के empty cups में भी इसको pour कर देंगे. Okay, so till now you got the proper idea. Like here when we poured it, the chances of wax becoming deformed was there. Whereas after some time if you insert in a week, the chances are less. So same is this kind of mold is there. Now we'll fill 2-3 cavities over here. Here the advantage is that the bottom portion of the mold now will become the top portion of the candle. Okay. And whatever the shrinkage is happening will happen in the bottom portion only. Okay, so you got this idea. Now the same way we will just put it in this cup. Now we have taken one poly cup also, we'll just fill it in that also. Here if you see that some shrinkage is happening, then depouring has to be done. I'm just filling one cavity of each of this design. Okay, so one more advantage of the mold is there. See, we have taken some wax, made small chunk of it, okay, randomly insert over here and pour the wax in it. Okay, so what happens when the candle will come out, it will give like a chunky effect. In this another cavity, what I have done, I have taken this one of the mold we have, which is having like heart type of shape over it. So we have just inserted a different pattern wise over it. So once the candle is ready, you can see like a proper heart top over it. Okay, so fine, we are pouring it in this mold. अभी हमें वैक्स से छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं और इसके अंदर इसको हम भर सकते हैं. वैक्स थोड़ा सा हार्ड हो रहा है तो उसका पोरिंग इफेक्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. हम लोग तुरंत ही एक दो पीस में और भर देते हैं इसको. ओके, ये भी हार्ड हो गया है. अच्छा, तो इसमें मैंने तभी आपको ये बताया था भी, देखो इसको थोड़े ठंडे में जब हम डालते हैं ऊपर एक मलाई जैसा लेयर हो जाता है, तो तभी इसका टॉप फिनिशिंग थोड़ा बिगड़ने के चांसेस रहते हैं. ओके, तो हमें पोरिंग टाइम एंड टेम्परेचर पे प्रॉपर कंट्रोल रखना जरूरी है. ओके, सो अभी हमारा टी लाइट कैंडल्स सारे बन चुके हैं. तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कि दोनों कैंडल्स को हमने मैन्युअली फिल किया हुआ था, तो इसमें आप देखेंगे कि ऊपर एक श्रिंकेज आ रहा है. ओके, अभी ये कॉमन वैक्स की ही प्रॉपर्टीज है जिसको थोड़ा सा अवॉइड करना डिफिकल्ट है, बट अलग अलग वैक्स के ब्लेंडिंग से आगे हम कर सकते हैं. अभी ये वाला कैंडल हमारा यहाँ पे समझो रेडी हुआ है. अभी जैसे कि इसमें थोड़ा सा गर्म वैक्स डाला था, ठीक है, थोड़ा सा वेक इसका क्रॉस चला गया वो, तो ये सब छोटे मोटे दिक्कतें होते रहती है इसके अंदर, बट प्रॉपर केयर रखते हैं तो इनमें भी हम लोग अच्छे फिनिशिंग एंड अच्छे कैंडल्स बना सकते हैं. अभी ये वाला है जिसको हमने मोल्ड में हमने फिल किया था. ओके, तो अभी हम इसको बाहर निकालते हैं. ओके, तो अभी इसका एडवांटेज कैसा है कि इसका जो बॉटम पोर्शन है ना, वो कैंडल का बॉटम में चला जाता है, एंड मोल्ड का जो बॉटम पोर्शन है जो एकदम फ्लैट और स्मूथ दिख रहा है, ये कैंडल का टॉप पोर्शन हो जाता है. तो हम अभी इसके अंदर विक हमारा इंसर्ट करते हैं और ये वाले एम्प्टी कप्स में हम इसको भी डाल देते हैं. इसमें हमने पहले डाला था, तो ये है, हमने इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दिया. ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसका एकदम प्रॉपर फिनिश आ रहा है एंड प्रॉपर दिख रहा है ये. अभी
ये सब टाइप के जो पतले कंटेनर्स आते हैं उनमें थोड़े से डिफॉर्म होने के चांसेस रहते हैं। तो अभी जब भी हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आप ऐसे टाइप के कैंडल्स बनाना चाहते हैं तो ये टाइप के जो मोल्ड है हमारे वो आप ले सकते हो, तो जिसमें क्या आपका कैंडल्स भी दिखने में प्रॉपर राउंड दिखेगा और बाई चांस वैसे कुछ डिफॉर्म भी कंटेनर्स है तो भी आपकी फिनिशिंग उसमें प्रॉपर आ जाएगी। वो वैसे ही ये टाइप के जो हमारे मोल्ड थे उसमें से हमने इसको निकाला है, इसकी भी काफी अच्छी चंग जैसा इफेक्ट इसमें दिख रहा है, इसको भी हम इसके कंटेनर में डाल के देखेंगे। ओके ओके, सो अभी हम लोग हमारा ये एक डिजाइन वाला जो हमने बनाया था तभी जिसमें हमने हार्ड चंग डाले थे उसको हम लोग निकाल के देखते हैं। ओ वाओ, ये काफी अच्छा लुक इसको मिला है, दिख रहे हैं? I mean, हमने हार्ट्स को अलग अलग पैटर्न में हमने सेट किए थे। अभी मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि जो लोग इसको होम लेवल पे बनाते हैं जिसमें आप अच्छी क्वालिटी बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट कस्टमर्स को हम बेचना चाहते हैं, तो हम सजेस्ट करते हैं कि ये टाइप का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। अभी ये जो मोल्ड है हमारा जिसका 38 mm डायमीटर है और 15 mm हाइट है और उसके मैचिंग ऐसे प्रीमियम टीलेट के कंटेनर्स भी मिल जाते हैं 38x15 वाले। इसमें हमने धागे को इंसर्ट कर दिया है। ओके, और अभी इसको हम लोग स्कैनर डाल के देखते हैं। या एकदम परफेक्टली फिट इसमें हो रहा है करके। सो अभी इसको हम जैसे देखेंगे कि दोनों हमारे टीलेट्स रेडी हो गए हैं एंड ये हमारा प्लेन वाला है इसी साइज का ही, इसको भी हम इसके अंदर डाल के देख लेते हैं। अभी मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग ऐसे होम लेवल पे टीलेट कैंडल्स बनाते हैं जहां पे हम लोग अच्छी क्वालिटी के एम्प्टी कंटेनर्स यूज करते हैं प्रीमियम क्वालिटी के, तो ये टाइप का मोल्ड प्रेफर कीजिए, बिकॉज इसमें क्या इसका टॉप पोर्शन भी एकदम स्मूथ लेवल में दिखता है कंपेयर टू ये जिसको हमने मैन्युअली हैंड पोर किया हुआ था। दिख रहा है इसका टॉप पोर्शन एकदम प्रॉपर लेवल दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा ऊपर श्रिंकेज आया हुआ है। अभी जहां पे हम लोग ये कैंडल्स को लॉन्च करते हैं अभी ये टाइप की जो बेसिक और सिंपल क्राफ्टिंग है ये बड़े या तो बल्क मैन्युफैक्चरिंग वाले नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमने प्लेन वैक्स डाला के वही वैक्स में कलर डाल के चंग डाल के हमने इसमें डाल दिया, ऐसा हम पहले से ही बना के रख भी सकते हैं, तो इससे क्या होगा आपने ऐसे अलग अलग कलर शेड्स के आपने बना दिए तो दिखने में इसका लुक्स भी अच्छा दिखता है और सेलिंग भी इसका फास्ट हो जाता है अपना, क्योंकि कस्टमर सब कॉमन कैंडल्स बरसों से देखते आ रहे हैं। अब इसमें और एक हम लोग कर सकते हैं कि जो भी हम चंक्स बनाते हैं इसमें हल्का सा वेरी माइन्यूट अरोमा भी डाल सकते हैं, तो कस्टमर जब भी ऐसे देखता है तो उसको जब भी बाई चांस स्मेल भी करते हैं तो अरोमा हमारा बहुत ही कम गया हुआ है, तो दिखने में भी थोड़ा सेंटर्ड कैंडल दिख जाता है। ओके, सो ये वन ऑफ द बहुत ही अच्छा चीज है जिसमें अलग अलग खुद की क्राफ्टिंग्स एंड स्किल्स को भी आप यूज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन भी इसमें बना सकते हैं एंड एकदम प्रॉपरली फिट हो रहा है ये। ओके, सो यहाँ का लग अभी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया है कि कैसे अलग अलग टाइप के एम्प्टी कंटेनर्स आते हैं, कैसे अलग अलग टाइप के मोल्ड्स आते हैं और इसमें से कैसे हमारी कैंडल्स हम इसमें से बना सकते हैं। अभी हम लोग बेसिक सबके ग्रामेज चेक करेंगे और हल्की सी कॉस्टिंग को भी हम समझ लेते हैं। ओके, थैंक यू। सो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि टीलेट कैंडल्स कैसे बनाए जाते हैं, तो अभी हम इनके थोड़े से ग्रामेजेस भी हम लोग चेक कर लेते हैं, तो जिससे हमको हमारी कॉस्टिंग समझने में थोड़ी ईजी पड़ेगी। वैक्स में काफी अलग अलग टाइप के वैक्सेस आते हैं, कुछ 60 वाला भी आता है, 80 वाला भी आता है, 100 रुपए वाला भी आता है, और फिलहाल तो लाइक अप्रैल 2021 में तो वैक्स के प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं कंपेयर टू 3-4 महीने पहले। सो बेस्ड ऑन योर करंट प्राइसिंग जो चल रहा है इस एट दैट फेज ऑफ टाइम आप उसकी कॉस्टिंग आप निकाल सकते हो। अभी कॉस्टिंग निकालने के लिए समझो वैक्स का ग्रामेज का बेसिक आइडिया आपको मिल जाता है तो आप रफ कैलकुलेशन कर सकते हो कि इसमें कितना अपना खर्चा आता है और कितना प्रॉफिट चला के हम कस्टमर्स को आगे सेल कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पहले साइज पे आते हैं जो है 37x11 वाला साइज वाला। अभी इसके अंदर अराउंड 8 ग्राम वैक्स जाता है, अगर हम इसमें पूरी तरह से भरते हैं कैंडल को तो इसमें अराउंड 8 ग्राम जितना मटेरियल जाता है करके। अभी इसी को ही अगर हम इस मोल्ड से निकाल के फिर इसमें इंसर्ट करते हैं तो इसमें एक हल्का सा एडवांटेज क्या हो जाता है, ये कप का साइज है 11 mm हाइट है और मोल्ड का हाइट है अराउंड 9 mm पॉइंट समथिंग है, तो इसमें आपका 1/2 ग्राम थोड़ा सा कम जाता है, तो इसमें मोल्ड से अगर ये निकाला हुआ है इसमें रफली हमारा 7 ग्राम जितना मटेरियल जाता है करके। ओके, दूसरा साइज जो हमारा है 37x12 mm वाला जो कि ये वाला कप है, इसमें रफली हमारा 10 ग्राम मटेरियल जाता है। ओके,
37/12 में 10 ग्राम जितना मटेरियल जाता है। नेक्स्ट हमारा साइज है 38 mm by 15 mm, इसका हाइट है। अब इस वाले में हमारा 14 ग्राम जितना वैक्स इसमें चला जाता है। अब इसमें 14 ग्राम जाता है, इसका बर्निंग आवर्स भी सबसे अच्छा है, अराउंड 3 घंटा 4 घंटा, डिपेंडिंग ऑन द वैक्स कैसा है। अभी समझो पैराफिन वैक्स, उसका बर्निंग आवर्स ज़्यादा रहता है कंपेयर टू ईरान वैक्स। तो इसमें हमारा 14 ग्राम जितना मटेरियल जाता है। अभी इसी चीज़ को अगर हम लोग हमारे इस टाइप के मोल्ड से अगर बनाते हैं तो इसमें भी इसका तकरीबन 14 ग्राम जितना ही मटेरियल जाता है। ये मोल्ड का भी साइज सेम ही है, 38 mm इसका डायमीटर है एंड 15 mm इसका हाइट है करके। ओके, तो इसमें हमारा रफली 14 ग्राम जितना मटेरियल इसमें जाता है। नेक्स्ट हमारा साइज है 35/15, तो इसके अंदर हमारा तकरीबन 12 ग्राम जितना मटेरियल जाता है। और जो लास्ट एक साइज है 35/9 mm या तो 10 mm के साइज के कप्स आते हैं इसके अंदर, इसमें हमारा तकरीबन 6 से 7 ग्राम जितना मटेरियल जाता है। तो अभी यहाँ तक तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया कि कितना वैक्स इसमें जाता है। अभी इसमें मज़ेदार बात कैसी है कि एंड कस्टमर के लिए, जब भी हम कोई टीलेट कंटेनर्स कहते हैं, टीलेट कैंडल्स कहते हैं, तो उनके लिए बहुत केस में क्या होता है, अरे ये भी टीलेट कैंडल है, ये भी टीलेट कैंडल है, पर उनको इनके अंदर का ग्राम का आइडिया नहीं रहता है। बराबर है, तो कभी कभार क्या होता है, अभी समझो ये भी टीलेट कैंडल है, इसमें 7 ग्राम मटल गया है, इसके अंदर 12 ग्राम मटल गया हुआ है, तो उनको दिखने में एक ही चीज़ लगता है बट दोनों की कॉस्टिंग में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो ये भी चीज़ें हम लोग कस्टमर्स को बता सकते हैं या तो ओन कैलकुलेशन में ले सकते हैं कि भाई चलो ये वाला चीज़ दे सकते हैं जिसमें वैक्स भी कम जाता है, आपकी एवरेज कॉस्टिंग भी उसमें कम हो जाती है करके, और कस्टमर को हम अपने प्रॉफिट चढ़ा के अपने अनुसार उसको हम लोग सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको अच्छी आइडिया मिल गई है कि टीलेट कैंडल्स कैसे बनाया जाता है, कैसे अलग अलग टाइप के उसके एम्प्टी कंटेनर्स आते हैं, अलग अलग टाइप के मोल्ड्स आते हैं, इनमें कुछ ऐसा क्राफ्टिंग डिजाइनिंग भी करना है तो भी हम इसमें कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम इसमें अपना प्रॉफिट चढ़ा के कस्टमर्स को बेच सकते हैं। ये इंडस्ट्री भी वन ऑफ द अच्छा प्रोडक्ट है और मार्केट में भी इसका डिमांड, सेल, कंजम्पशन अच्छा खासा मिल जाता है इसके अंदर भी। ओके, कुछ भी ऐसा डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हमारी वेबसाइट भी है candlemool.com, या तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी हमने दिया हुआ है, उस पर भी आप इसको पूछ सकते हैं हमको प्राइसिंग वगैरह। ओके, थैंक यू।